ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्हें अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में पुलिस और फौज में नौजवानों के लिए भर्ती निकालने का काम करेंगे। 11 लाख सरकारी पद भी खाली पड़े हैं जिसे समाजवादी पार्टी भरकर नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में फौज की भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और न केवल फौज में बल्कि पुलिस की भी भर्ती निकालने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये 11 लाख पद खाली हैं, सरकार में 11 लाख पद खाली हैं। अभी तक सरकार 11 लाख पद नहीं भर पाई है, न जाने कौन सी सरकार चला रहे थे कि 11 लाख पद खाली हैं। समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले हमारे मैनिफेस्टो को पढ़ लिया होगा। बताओ, पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और इंतजार तो नहीं करना चाहते, और इंतजार तो नहीं करोगे? तो इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।